हम पर केस हो गया, हम घर से 50 किलोमीटर दूर पर, ऐसा ऐसा गांव आपको मिलेगा ना कि कोई मर जाता है ना तो सधा देता है, फलनिया मार दिया, मर गए। आज से 10-15 साल पहले धमकी दे रहे थे, नाम डाल दे लो बेटवा के, अभी हम सोचते हैं उनसे मिले। हम पर केस हो गया, हम घर से 50 किलोमीटर दूर पर है, यहाँ पर केस में नाम हट जाता है, मेडिकल उडिकल बता के प्रूफ करके दिखा देना है। FIR से मतलब नहीं है, आपका केस डायरी में नाम नहीं रहना चाहिए, FIR से कोई बहस नहीं होता। FIR बिहार में तो ऐसा ऐसा गांव आपको मिलेगा ना कि कोई मर जाता है ना तो सधा देता है, फलनिया मार दिया, मर गए, मरने के बाद वो सधा देता है, ऐसा होता है। और पुलिस में स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है, आप लोग जो पढ़िएगा ना तो पढ़ाया जाएगा कि ऑन द साइट ऑफ मर्डर आपको बहुत सारा ब्लड मिलेगा। अब पता चला किसी को गोली मार दिया गया, आज जहां लाश मिला वहां ब्लड नहीं है, समझ जाइएगा मारा कहीं और है, फेंका कहीं और है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा ऐसा तो बिहार पुलिस को केस मिलता है, कहीं और एक्सीडेंट में मर गया, खपा दिया कि फलनिया मार दिए, ऐसा होता है यहाँ पे। तो बिहार में तो फर्जी केस करने वाले बहुते मिलेंगे सब यहाँ पे, तो आप लोग जागरूक रहिएगा, मेडिकल उडिकल बना के प्रूफ कर दीजिएगा बस ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं सब। आप लोग भी पटना में रहेंगे, गौवा नाम डाल देता है, समझ में आ गया कि नहीं। हमारे पटदार में एक चाचा थे, आज से 10-15 साल पहले धमकी दे रहे थे, नाम डाल दे लो बेटवा के, हमारा नाम डाल देते हैं, अभी हम सोचते हैं उनसे मिले, टाइम ही नहीं मिलता हमको, सोचते हैं कभी मिले उनको, सोचते हैं ये मेरी दिवाली सोन पापड़ी लेके जाए, आराम से ले कर सोन पापड़ी यहाँ मुँह में खिला देते हैं, नाम डालते हैं यहाँ पे। नाम लिखने वाला यहाँ बैठ के इतना बन गया, सब सबको समझाते हैं यहाँ पे, जितने लड़के होते हैं सब, जिस दिन आप लोग बनिएगा सक्सेस होइएगा, कभी किसी गरीब का अन्याय मत कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आपके मतलब किसी से लड़ना हो अगर गलत है तो गलत है। कितना सीनियर BEC बैच का मिलेगा आप लोग का, BPSC वाले बैच का मिलेगा, ऊपर वाले में मिलेगा, UPSC वाले बैच का मिलेगा, तो एकदम कोऑर्डिनेट करके बहुत हो गया देश के लिए। अब आप युवा अपने कंधे पे उठा लीजिए यहाँ पर, तो आप जहां जहां जाइएगा ना वहां ऐसा होना चाहिए आप लोग को कि जब आपका ट्रांसफर हो तो उस एरिया के लोगों को अफसोस हो कि एक अच्छा ईमानदार अफसर चला गया है। और सैल्यूट याद रखिएगा दो तरह से होता है, एक वर्दी के पावर को लोग सैल्यूट करता है और कभी कभी कोई दिल से सैल्यूट करता है, उसके लिए वर्दी की जरूरत नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा आपको कोई भी इंसान दिल से सैल्यूट करे यहाँ पे, कितना भी दुश्मनी किसी से रहे लेकिन पावर का मिसयूज नहीं करिएगा, कितना भी वो रहे आप। हम लोग भी लड़का बदमाशी करता है सब ना तो डांट के समझा देते हैं, लेकिन एक लिमिट पर सोचते हैं कि बच्चा है अभी सुधर जाएगा। आपको बुरा लग रहा होगा, बुरा लगने के लिए बोल रहे हैं। बुरा ना लगे तो गड़बड़ है, लगने के लिए बोल रहे थे यहां पे।